कृष्ण चिंता करते 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 ये काले बन गए, इसलिए वो काले बन गए कृष्ण चिंतन करते करते। जैसे कभी राधा रानी कृष्ण चिंता निवेशन जस्त कांति विमोचिता, जैसे कभी राधा रानी जैसे कृष्ण चिंता करते करते राधा रानी कभी श्यामा से है, कभी श्यामा से राधा रानी, कभी श्याम बन जाती है, कभी राधा रानी काली, कहाँ पर काली राधा रानी कहाँ पर देखे हो छोटा वो देखना सब जगह पे देखोगे राधा रानी गोरी है, लेकिन पुरी की टोटा गोपीनाथ में देखोगे राधा रानी गोरी नहीं, राधा रानी काली। उसी तरह यहाँ पर बलदेव प्रभु कृष्ण चिंतन करते करते कृष्ण चिंता में इतने डूब गए श्री दाऊदिया काले बने, दाऊदिया काले बने हुए, केवल ये कृष्ण चिंता में ये काले बने हुए। इसलिए हम लोग सबरे श्री बलदेव प्रभु की बहुत बहुत कथा सुन रहे थे, ये हर अवतार में ये किसी ना किसी रूप में बलदेव प्रभु सेवा करने के लिए आते हैं। इसलिए रामावतार में क्या बन कर गया है लक्ष्मण, छोटे भाई बन कर गया है, लेकिन छोटे भाई बन कर के आए, लेकिन ये कौन है कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन अभिन्न होते हुए भी हर समय कृष्ण सेवा की शिक्षा देते हैं। किसी जगत में अगर कोई दास सब को बोलो ना, बोले हम नौकर बने, हम तो प्रभु सब दुनिया प्रभु बनना चाहते, कोई नौकर बनना चाहते कोई नहीं नौकर बनना चाहते, लेकिन इसे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भगवान की नौकर बनना इतने आसान की बात नहीं, वो कहते हैं आगे है मुक्त। अगर भगवान की दास सेवक बनना चाहते हो आगे है मुक्त, भाई मुक्ति बनना पड़ेगा, तापर है सर्व बंध नाश, उसको बाद में सारे बंधन नाश होगा, उसको बाद में कोई हो सकता है कृष्ण का दास का दास। इसलिए हम सुन रहे थे ना कि सबसे सब मंजिल पद क्यों चाहते हैं, कारण क्या बोले कारण है ये सबका जो रस है कृष्ण का राधा रानी की सखियों की, ये सबका जो रस है ना जो नीचे रहता है वो तो सबको मिलता है। जैसे कृष्ण सबसे पहले प्रसाद बताते हैं, फिर कृष्ण का आधा नाम तो किसको मिलता है राधा रानी, फिर जो राधा रानी पा लेती है फिर उसका आधा नाम तो किसको मिलता है ललिता की सखियों की, फिर उसका आधा नाम तो किसको मिलता है श्री रूप मंजरी की, उसको बाद में श्री कमल मंजरी भक्तिविनोद ठाकुर, उसको बाद में प्रभु को आदि को, उसको बाद में श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को, अब उसको बाद में सुख मुखात अमृत द्रव संजित, कृष्ण कथा वैसे तो मीठा मीठा है, लेकिन जब वो कथा श्री सुखदेव गोस्वामी की मुखार बुद्ध से निकली और भी ज्यादा मीठा हो गया, और ज्यादा क्यों मीठा हो गया, निकुंज प्रसाद सदा निवास, क्यों इतना मीठा बन गया, वहां पर तो 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, कोई 100 साल के 200 साल के 300-5,000 साल की, इतने बड़े बड़े गाभी मोज और इतने, लेकिन कथा किससे सुने, सबसे छोटे बच्चे नंगे धरेंगे शरीर में कपड़े लेंगे, हाँ सबसे छोटे बच्चे से कथा सुने, अरे सबसे छोटे बच्चे से कथा क्यों सुने, कारण है इसलिए प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया, ये राधा रानी की ये प्रिय सुख है जिस पर राधा रानी अपना हाथों से हमारा की दाना खिलाया करती थी, कभी कभी राधा रानी को चुंबन करती, जब चुंबन करती थी तो राधा रानी की जो अधरा मृत वो सुख के मुख में लगा पुत्र के मुंह से, इसलिए जब वो कथा करती थी सुखी राधा जी की अधरा मृत लगी हुई है, और राधा रानी कौन है वैदग्ध सिंधु रसमृतिक सिंधु आनंद सिंधु रसमूर्ति सिंधु, राधा रानी सारे रस के मूर्ति मानस की राधा रानी, बोले श्री राधा रानी की जय, जब कुछ आज व्रत है आवाज नहीं, बोले श्री राधा रानी की जय। इसलिए इसलिए कथा किससे सुने,
बोले श्री सुखदेव गोस्वामी के उधार हृदय से कथा सुने, क्योंकि चुके उसमें राधा रानी के आधार होने लगी। कहते उसी तरह जो जितने नीचे होता आती है ना, वो सबका सेवा अपना धर्म देखना, बड़े का कोई खातिर नहीं करते, बड़े को कोई पूछते तो खाया नहीं खाया, घर में किसको सबसे ज्यादा पूछते हैं, बच्चों अगर बाहर गए हो किसकी ध्यान रहता है, सबसे छोटे उसके लिए, तो ये छोटों के लिए क्या लेकर दी जाए, वो घर में जाते ही बोलेगा क्या लेकर क्या है, इसलिए छोटों के लिए सब ध्यान करते हैं, छोटे के लिए है ना, बड़े को कोई ध्यान नहीं देते, इसलिए भक्ति जगत में बड़ा बनना गड़बड़ी है, छोटा बनना सही, छोटा बनना सही, बड़ा बनना सही नहीं। इसलिए वो तो दास शब्द है इसी जगत में बड़े घृणित है, लेकिन उसी जगत में जो दास शब्द की बड़ी महिमा, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं सच्चा एक मम नमस्त नमस्त नित्यम प्रार्थना करते हैं, इसलिए जितना नीचे ये रस आता है उतना ही आनंद आनंद उतना, इसलिए श्री बलदेव प्रभु वो कृष्ण अभिन्न होते हुए भी कृष्ण के अंदर में इतने रस है, लेकिन होने पर भी भैया रसगुल्ला में क्या आनंद है, रसगुल्ला को बताना किसको बताना, खाने वालों को बताना, इसलिए कृष्ण का रस स्वरूप है, लेकिन उनको पता नहीं भैया मेरे अंदर में सारा दुनिया क्या रस है, इसलिए कृष्ण कभी सोचे कि भैया जो आए मेरे चरणा जो आए मेरे क्या चरणा में तो बोल रहे हैं चरणा में तो जो आए चरणा में तो चरणा में तो कृष्ण ने सोचा एक बार मैं भी अपना अंगूठा चूस कर देखो इसमें क्या आनंद है क्या रस है, क्यों सब चरणा में चाह रहे हैं, भैया अगर सबको सामने अगर अपना अंगूठा में चूसू दुनिया के कैसे पागल अपना अंदर घुस रहे हैं, हाँ हर समय भक्त अंदर गिरे ही रहते हैं, बोले कहीं अगर एकांत जगह में ना करे अंदर घुस, जब वहां प्रय हो गया सारा एकदम तो पानी पानी में जलमग्न, अभी बट्टे पत्ते के ऊपर में कृष्ण ले कर लिए तब उन्होंने अपना अंगूठा को घुसा, देखे हो ना अंगूठा में घुसे हैं, कृष्ण ने देखा भैया बात तो सही बात है, मेरे चरण में तो अमृत ही आ सकते हैं, वो अकेले इतने जगह तो कोई है नहीं यहाँ पर, इतने में मार्केट में किसी आ गए बहन तो बहते बोले तू कहाँ से आ गया, मैं तो सोच रहा था कोई देख नहीं रहा लेकिन देख लिया किसी, इसलिए कृष्ण रस स्वरूप तो है कृष्ण आनंद स्वरूप तो है, लेकिन कृष्ण कभी कभी कहते हैं भैया ये रस को मैं स्वयं आस्वादन करूँ, इसलिए कृष्ण अनंत भक्त रूप धारण करते हुए कृष्ण अपना रस का आस्वादन करते हैं और अपना रस की शिक्षा सबको प्रदान करते हैं, इसलिए श्री अभिन्न होते हुए भी कृष्ण से इसलिए श्री बलदेव प्रभु क्या करते हैं, बलदेव प्रभु दस स्वरूप से है, इसलिए कहते संदिग्ध शक्ति की अधिष्ठा के देवता कौन है, कहते श्री बलदेव प्रभु है, इसलिए दस स्वरूप में यहाँ जो कुछ देख रहे मंदिर मृदंग करताल जितने से सब जो देख रहे कौन है, कहते श्री बलदेव प्रभु कृष्ण सेवा के लिए अनंत रूप में अनंत भगवान की कथा को अनंत रूप में अनंत भगवान की कथा को गुणगान अनंत समय से कर रहे हैं, इसलिए ये अपना सेवा शिक्षा को देने के लिए कृष्ण स्वयं श्री बलदेव प्रभु रूप में प्रकट होकर के जगत को अपने सेवा शिक्षा प्रदान करते हैं, वही बलदेव प्रभु ये गुरु परंपरा रूप में जितने हमारे गुरु वर्ग है ये जितने सारे गुरु वर्ग बता रहे थे ना, एक तो राधा जी की स्वरूप मानी जाती है, राधा जी की है सखी मानी जाती है, कहता निकुंज जूना जो राधा कृष्ण के निकुंज सेवा में जो उसमें तन्मय रहती है जो एक्सपर्ट है, और दूसरे स्वरूप कौन है, जैसे बलदेव प्रभु नित्यानंद अभिन्न श्री गुरुपाद और अनंत रूप में बलदेव प्रभु प्रकटित होकर के अनंत कृष्ण सेवा की ये सब तो ये शिक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए हम लोग सवेरे श्रवण कर रहे थे ये हर अवतार में आते हैं, इसलिए लक्ष्मण रूप में आए लेकिन आखिर में उनको कुछ गड़बड़ी महसूस हुआ, क्या है गुरुदेव कहते विशेष करके दो आदेश उनको जो बड़ा कठिन था,
पहला आदेश था सीता की जो अग्नि परीक्षा, अभी अपना आराध्य के लिए कोई सेवक थोड़ी अग्नि सजा सकता है, ये एक। दूसरी चीज गड़बड़ हुई सीता को, हाँ जो वनवास अंतिम समय में उन्होंने जो वनवास में देकर इनको ही आना पड़ा, अपना आराध्य के थ्रू कौन कर्म चिरकाल के ले सकता है, इसलिए लक्ष्मण इतने दुखी हो गए, बोले छोटे भैया इसलिए मेरे को इतना कष्ट करना पड़ेगा, इसलिए और मैं छोटे भैया बनकर के नहीं आऊंगा, आऊंगा तो मैं बड़े भाई बनकर के आऊंगा, इसलिए और छोटे नहीं बने, इसलिए जब कृष्ण रूप में आए अरे वो छोटे नहीं इस रूप में आए, श्री दाऊ रूप में आए, जो महाप्रभु का रूप में आए तेरे को कौन सा रूप में आए, श्री नित्यानंद प्रभु का रूप में आए हैं, आ करके क्यों, कोई बोलेगा कि स्वार्थ हो गया, बड़े भाई का आदेश पालन करना पड़ता है, आदेश पालन करना पड़ता है, इसलिए आदेश पालन नहीं करता मैं बड़े बन करके आता तो मेरा आदेश सुनना पड़ेगा, यदि इसको थोड़ी कोई भक्ति कहते हैं, ये थोड़ी भक्ति हुआ है, ये तो उल्टा हो गया ना, आदेश पालन करना पड़ेगा, इसलिए आप बड़े बन करके आदेश मतलब भक्ति हुई है, यही भक्ति है। उदाहरण देते हैं जैसे सब लोग हैं, सब जैसे पति है, वो पति कहीं बाहर जा रहा है, पत्नी ने बोला देखो आप इतना दूर देश जा रहे हो, खाना टिफिन में पैकिंग करके मैं खाना दे देती हूँ, पति कहता अरे जो जो मैं जाऊंगा वापस आ जाऊंगा, पत्नी बोलती है अगर नहीं देर हो गया तो फिर कहाँ खाओगे, और ठंडी का समय है एक साल भी दे देती हूँ पैकिंग करके, अगर ठंडी लगे तो उसको ओढ़ लेना, लेकिन पति कहता है इतना थोड़ी से दूर जाऊंगा वापस आ जाऊंगा, लेकिन पति मना करने पर भी पत्नी बड़े सुंदर एक साल पैकिंग करके और इतनी में चढ़ा से भोजन बना करके इतनी में पैकिंग करके दे देती है, अभी तो पति मना कर रहा था नहीं नहीं, लेकिन पत्नी तो जोर जबरदस्त किया, हाँ बताओ पति खुश होगा ना दुख होगा, खुश होएंगे, हाँ बताओ खुश होएंगे, पति उसमें खुश हो जाए ना पति दुखी होगा, खुश होएंगे, बोलो खुश होगा, देखो मेरी पत्नी कितने मेरे को ध्यान रखती है, पत्नी मेरे कितने ध्यान रखती है, मना करने पर भी जोर जबरदस्त में कटे रहे, जब उसी तरह यहाँ पर दिखाई पड़ता है जैसे कि एक बड़े भाई बन करके आए, हाँ क्यों हम आदर्श जैसे पालन नहीं कर पड़े, इसलिए लेकिन यहाँ पर क्या है जब उसी तरह, इसलिए कहते तीन तरह का सेवक है, कितने तरह का, तीन चार तरह का सेवक है, पहला नंबर सेवक वह है, हैं वह है किसको कहते बड़ा सबसे बड़ा सेवक, मना करने पर भी तो सेवा करे, गुरु जी मना कर रहे नहीं हम ये नहीं चाहे, अरे नहीं आप जरूर ले लो, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं तो ये दिक्कत होने वाली, लेकिन ऊपर कहते नहीं कोई जरूरत नहीं, लेकिन तो जो लेकिन उसमें गुरु जी खुशी होगा ना दुखी होंगे, खुश होंगे, अभी एक नंबर का सेवक जो गुरु जी की भावना को समझते हुए जो जबरदस्त करे, दूसरे नंबर कौन है, मन की भावना बोलने से पहले मन की भावना को समझ ले, सोच करके करते वो मध्यम है, बोले कनिष्ठ कौन है, बोले आगे से करने पर उसको आज्ञा मान करके श्रद्धा पूर्वक करे, लेकिन अधम कौन है, जो कहने पर भी ना करे, से व क अधम कौन है, आगे से देने पर भी जो पालन नहीं करे, तो सेवक नहीं गुरुदेव कहते से को हटा दो क्या रह जाएगा, कहते बगुला रह जाएगा, बगुला सेवक है, तो सेवक नहीं, इसे श्री बलदेव प्रभु उत्तम श्रेणी के सेवक है, बलदेव प्रभु ये उत्तम श्रेणी के सेवक है, इसलिए कृष्ण सेवा के लिए बड़े भाई बनकर आए ना, वो कृष्ण अभिन्न है, कृष्ण का मन की भावना को समझते हैं, कृष्ण की इसलिए कृष्ण की मन की भावना समझते हुए वो मना करने पर भी हम उनकी सुख के लिए हम उनकी सेवा करेंगे, इसलिए श्री बलदेव तो छोटे बनकर के नहीं आए, कृष्ण लीला में बड़े बनकर के आए, फिर महाप्रभु लीला में उनको बड़े बनकर के आए और उनको आदेश दिया, इसलिए उनको आदेश दिया है, इसलिए लेकिन कभी कभी इनका आदेश भी कृष्ण कभी अमान्य कर दिया, सुन रहे थे ना सुभद्रा, सुभद्रा का साथ में बलदेव प्रभु तो तय किया नहीं, साथ ही होगी दुर्योधन को साथ में, लेकिन कृष्ण किसको साथ में कर दिया, अर्जुन को साथ में कर दिया, वहां पर बलदेव प्रभु की इच्छा होने पर भी गुरुदेव यही कहते थे, बलदेव प्रभु का इच्छा था क्या इच्छा है, साथी किसको साथ में हो, दुर्योधन को साथ में, लेकिन यहाँ पर कृष्ण किसको साथ में करवा दिया, अर्जुन को साथ में, लेकिन वहां बलदेव प्रभु अपना बड़े भाई होने पर भी, लेकिन जब देखा छोटे भाई का इच्छा मेरे प्रभु की इच्छा, अपने इच्छा को मार देते, अपने इच्छा को मैंने मार दी, बोले नहीं
मेरे प्रभु का इच्छा पूरी होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में श्री कृष्ण बलदेव प्रभु की कृष्ण की इच्छा जान करके बलदेव प्रभु बड़े भाई होने पर भी वो अपना इच्छा पूर्ण प्रकाश नहीं किया, अपना इच्छा पूर्ण मार दिया। किसकी इच्छा में काम की? कृष्ण की इच्छा से उन्होंने काम किया। इसलिए और जब इसलिए श्री बलदेव प्रभु अनंत अनंत रूप में रामावतार में कृष्णावतार में महाप्रभु के अवतार में ये अनंत अनंत रूप में उन्होंने कृष्ण सेवा किया। और जब उन्होंने द्वारका में गए आपको पता है उन्होंने श्री द्विजी का बांधर को उन्होंने गर्द किया। बोले क्यों? चलिए कृष्ण लीला में राम लीला में इन्होंने बहुत उन्होंने सेवा की है। राम के पक्ष लेकर के रावण को साथ में घमासान ने युद्ध किया, खूब युद्ध किया। लेकिन राम को तो बड़ा श्रेष्ठ मानता था, बड़ा बहावा देता था राम। लक्ष्मण को कुछ नहीं जानता, इसका सब कोई ताकत नहीं। लक्ष्मण को वो उतना सम्मान नहीं, लेकिन राम को बड़े सम्मान देता था। फिर वही जब श्री रामावतार के बाद में जब फिर कृष्णावतार करके वही जब राम और लक्ष्मण करेगा कृष्ण और बलराम करके आए, कृष्ण को तो आदर देता है लेकिन बलराम का प्रति श्रद्धा नहीं। जब श्री बलदेव प्रभु अपना महिषियों के साथ में प्रभु लीला कर रहे थे, ये बंदर ने बड़ी गंदी गंदी हरकतें की हैं। जब बंदर बड़ी गंदी गंदी हरकतें की, लेकिन बलदेव प्रभु ने देखा जो कुछ हो, लेकिन कृष्ण का सेवा किया, राम का सेवा किया, इसलिए बलदेव प्रभु को माफ कर रहे थे। लेकिन उन्होंने इतनी गंदी गंदी हरकतें करने लग गया, बलदेव प्रभु अपना हाल से पकड़ करके खेचे और अपना मुसल से मारे सर पर एकदम चकनाचूर कर दिए। इसलिए गुरुदेव कहते थे इसका मतलब दिया है, कहते इसका मतलब है, इसका नाम दिया था द्विबीक। द्विबीक, द्विबीक मतलब क्या? बीक मतलब होता है जानना, द्वि मतलब होता है दो। जो कृष्ण को तो बड़े भक्ति करते हैं, लेकिन बलदेव प्रभुपति गुरु जी का प्रति वैष्णव का प्रति कोई सम्मान नहीं, केवल अपना गुरु जी गुरु जी गुरु जी नहीं, गुरु वैष्णव भगवान ये तीनों बराबर है, इसलिए सबको सम्मान देनी चाहिए। हैं, इसलिए कहते ना भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कहते ना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर ऐसा से त्रिना पक्षाति, इसमें कहते ना सकल सम्मान करी ते सकति देह नाथ जथा जथा तपे तर गाई व हरि नाम सुते अपराध हत हत। इसलिए सबको जथा योग्य सम्मान देनी चाहिए। गुरु वैष्णव एक ही स्वरूप है, इसलिए शिक्षा गुरु शिक्षा गुरु, इसलिए चैतन्य चरितामृत में एक ही मानी गई है, एक ही मानी गई शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, तो सबको जथा योग्य सम्मान में देनी चाहिए। केवल गुरु 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 हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी कहते हैं शिष्य भोगी है, कहती है शिष्य होगी मेरा शिष्य है और किसी को पास में नहीं जानी चाहिए, केवल मेरी सेवा करनी चाहिए। शिष्य होगी वो शिष्य नहीं, वो गुरु बनने का लायक मार्ग है नहीं, सबको सम्मान देनी चाहिए। इसलिए शिक्षा गुरु शिक्षा गुरु कोई है नहीं, केवल मेरे शिष्य मेरे गुरु नहीं, ये अपराध उसको बताए। सबको सम्मान देनी चाहिए, गुरु वैष्णव भगवान कहते हैं ना, गुरु वैष्णव भगवान तिनरे स्मरण सबको जथा योग्य सम्मान हमें देनी चाहिए। इसलिए द्विबी है जो भगवान और भक्तों को गुरु को जो अलग समझता है, हैं भगवान को तो खूब भक्ति करता है लेकिन गुरु वैष्णव को अंगूठा दिखाता है, गुरु वैष्णव को अंगूठा दिखाता है। इसलिए बलदेव और उनका जो जिंदा निकल आई है ही नहीं, इसलिए हाल से पकड़े और खेचे और मुसल से सर को मार कर चकना शुरू कर दिया। इसलिए बलदेव प्रभु अपना अपना लीला उन्होंने बहुत बहुत उन्होंने बहुत शिक्षा दिया। जैसे लोमहर सरस होता है वो कथा कर रहे थे, श्री बलदेव प्रभु आए, लेकिन उन्होंने क्या किया, आए बैठ जाए कथा करेंगे, वो आए उन्होंने बहुत अच्छे से शिक्षा दिया, वो आए बैठ जाएंगे लेकिन कोई सम्मान नहीं किया। इतने में बलदेव प्रभु ने कहा तू तो कथा कर रहे हो, लगता है किसी गुरु परंपरा से सदगुरु परंपरा से तुमने कई भजन तुमने नहीं सिखा दिया है। जैसे अगस्त ऋषि
पूजा करते शालग्राम की आए श्री चित्रकूट राजा अगस्त ऋषि आए तो बैठ जाएंगे हम ठाकुर को पूजा करते हैं। लेकिन अगस्त ऋषि ने क्या किया, अभिशाप दे दिए, हाथी जैसे इसको डोंट केयर करता है, मस्ती से चलता है, एक हाथी बन जाते। वो पूजा कर किसको कर रहा था, शालग्राम को पूजा कर रहा था, लेकिन शालग्राम रखा क्यों नहीं, भगवान क्यों नहीं रखा क्यों। अगर कोई वैष्णव का अनादर करे, गुरु वैष्णव का भगवान को पूजा करना, भगवान के भगवान की स्थान नहीं करते वो चीज को भगवान भी, इसलिए उनको हाथी बनना चाहिए। इसलिए यहाँ पर श्री बलदेव प्रभु ने देखा, तुमने तो है यहाँ तुम तो कथा कर रहे हो, लेकिन तुमको ये पता नहीं कोई गुरु वैष्णव आ जाए तो अगर हम कथा कर रहे हैं। इसे तीन तरह का भक्त बताया ना, कनिष्ठ मध्यम उत्तम। कनिष्ठ किसको बताया, अर्चया मे महाराय जब पूजा श्रद्धयते तत भक्ते सुचान्य सुसभक्त प्राणिष्ठ। इसलिए ठाकुर को तो बड़े पूजा पूजा करते हैं, लेकिन वैष्णव को अनादर करते हैं। इसलिए कनिष्ठ हो गए, मध्यम कौन है, तभी जो वैष्णव के साथ में भगवान से भी ज्यादा महत्व भक्तों को जो देते हैं। स्वयं गोखर है गंगा को पूजा करता है, पूज्य बुद्धि से ठाकुर को पूजा करता है, वैष्णव को कोई गणना नहीं करता, गोखर हो भैया को देता है। इसलिए यहाँ पर कल तुम भजन शिक्षा कर रहे हो, लेकिन किसी सदगुरु की इसमें नहीं कर रहे हो, उनकी परंपरा में नहीं, तुमको इतना लाभ पता नहीं। सख्यात गुरु तो बलदेव प्रभु आए, कहा सम्मान करनी चाहिए, अब तुम पूजा करो, उठाया इनका और मारे तो गलाई काट दी, उनकी गलाई काट दी। वो सुन रहे थे पुराण ऋषि लोग, बोले कहाँ से अभी कथा सुनेंगे, आप तो हमारे जिससे कथा सुन रहे थे मार दिया। बोले चिंता नहीं, उन्होंने छोटे बच्चा है जो उग्रसभा सुता उनका सर पर हाथ रखते ही सारे उनके हृदय में सारे विश्व ज्ञान की स्फूर्ति हुई, उनको बैठा दिया। इसलिए यहाँ पर देखो एक जिसे हमारे ब्रह्मचारी लोग है, यहाँ पर देखो जब कोई दूसरे मठ से कोई वैष्णव लोग आते, ध्यान रखना ऐसे नहीं कोई वैष्णव आया कहीं बैठा नहीं बैठा अब चुपचाप बैठो, नहीं। जब कोई वैष्णव आते हैं कथा कर रहे हो सेवा कर रहे हो, अगर दूसरे मठ से कोई वैष्णव आए जाकर प्रणाम करनी चाहिए, हैं सम्मान करके उनको बैठानी चाहिए, उनको पूछनी चाहिए, खास उसका प्रसाद देनी चाहिए। इसलिए इसने कोई वैष्णव आए घूम कर चले गए उनका मुझे कोई आदर नहीं, कुछ बड़े वैष्णव का प्रति हमारा कोई श्रद्धा सम्मान नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भगवान की चीज को सामने कभी करते हैं। इसलिए सबको जथा योग्य होकर सम्मान देनी चाहिए गुरु वैष्णव को। इसलिए बड़े प्रभु अपना अपना जीवन में बहुत बहुत उन्होंने अच्छा शिक्षा दिए। यहाँ पर हमारे श्री कृष्णदास प्रभु जी आपको थोड़ी सी उनकी जीवन चरित्र और उनकी शिक्षा को बताएंगे। और ये कृष्णदास दो यहाँ पर दो लोग दल बढ़ रहा है क्या चक्कर, ओ और